और जो कोई उसके दोष हो तो उसको वो सबके सामने प्रकट नहीं करता है, अपने मित्र को तो बताता है, और जो हितकारी है उसमें उसको लगाता है और उसके गुणों को अभिव्यक्त करता है कि आपके अंदर तो ये गुण हैं, आपको नहीं पता है, तो उसको उत्साह देता है वो। तो ऐसे हमारे कुछ मित्र होते हैं हमारे जीवन में, कुछ अरी होते हैं मतलब शत्रु, तो वो हमें हमेशा हमारा पैर खींचते हैं, हतोत्साहित करते हैं, अपमान करते हैं, अवज्ञा करते हैं। तो ऐसे लोग भी हमारे आते हैं जीवन में, कुछ उदासीन होते हैं, ना वो हमें कभी प्रेरित करते हैं, ना वो कभी अपमानित करते हैं, ना वो कभी हमारे से बुरा व्यवहार करते हैं, ना अच्छा करते हैं, उदासीन है वो, न्यूट्रल है। तो सुहृद, मित्र, अरी, उदासीन, इनमें मध्यस्थ द्वेष बंधुषु, चार लोगों से तो सबका ही होता है, फिर कुछ और गिना रहे हैं कि मध्यस्थ, मध्यस्थ उदासीन जैसा ही है। मध्यस्थ होता है जो दोनों पक्षों को मान्य होता है, जैसे कोई कोई दो व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे हैं और एक तीसरा व्यक्ति ऐसे आता है बीच में, तो वो कहते हैं कि ये जैसे कहेगा वो हम मान लेंगे, तो वो दोनों उसको मानते हैं तीसरे व्यक्ति को, तो ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है मध्यस्थ। कुछ होते हैं द्वेष, द्वेष मतलब जिनके प्रति द्वेष रखा जाता है, अर्थात जिनसे द्वेष, जो द्वेष करने योग्य हैं, द्वेष। और बंधुषु, और कुछ अपने भाई बंधु होते हैं। तो इतनी प्रकार के लोगों के बीच में ये योगी कैसे रहता है? साधुषु अपिचे पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। और कह रहे हैं इनके साथ ही नहीं, कुछ साधु पुरुष होते हैं, धर्मात्मा पुरुष, उनमें भी, और कुछ पापी होते हैं, पापेषु च, पापियों में भी, साधुओं में भी, पापियों में भी, और ऊपर जितने गिनाए उन सब में भी समबुद्धि विशिष्यते, समान भाव रखने वाला ये विशेष आत्मा होता है ये योगी। माने सबके प्रति इसका एक समान भाव होता है, कोई बहुत इसकी सेवा शुश्रूषा करे, बहुत इसके प्रति करुणा का भाव रखे, प्रेम रखे, तो उनके प्रति आसक्ति नहीं होती है। और कोई व्यक्ति इसका बुरा करे, इसका अपमान करे, शत्रुता करे, दुख देवे, तो उनके प्रति इसको द्वेष नहीं होता है। ठीक है, अपना अपना कर रहे हैं, उस उसका फल इनको मिलेगा, तो ऐसे सोच के वो क्या रहता है, सम रहता है, वो समबुद्धि, समान बुद्धि वाला रहता है। आगे चलिए, योगी युंजीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनः कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतः चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम आत्मविशुद्धये समं कायस्त्रिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः दिशश्चानवलोकयन् प्रशांतात्मा विगतभिः ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः मनः संयम्यमच्चित्तो
युक्त आसीत मत्परः योगी युञ्जीत सततम्। तो इस प्रकार से ये योगी सतत आत्मानं रहसि स्थित युञ्जीत, आत्मानं अपने आप को अर्थात अपने मन को, अपने आप को माने अपने मन को, रहसि स्थित युञ्जीत। रहसि मतलब एकांत में और स्थित मतलब बैठ करके, एकांत में बैठ करके इस प्रकार से ये योगी सतत अपने मन को युञ्जीत जोड़ता है, किसमें, परमात्मा में सतत जोड़ता रहता है। देखो यहाँ पर भी सतत शब्द का प्रयोग है, सुबह शाम नहीं कहा, त्रिकाल भी नहीं कहा कि त्रिकाल में जोड़ता है, ये ऐसे एकांत में रहते हुए, एकांत में रहते हुए मतलब सारी दुनिया से अलग रहते हुए, सारी दुनिया से अलग रहता है मन से, शरीर से तो सबसे अलग रह ही नहीं सकता है, जहां भी व्यक्ति रहेगा तो किसी ना किसी से तो कुछ ना कुछ संपर्क होता ही है ना। मान लो ये एकांत में भी रहेगा, अकेला भी रहेगा कुटिया बना के, तो इसको खाना चाहिए, तो चावल दाल लेने के लिए कहीं मार्केट में जाएगा तो संपर्क में आएगा लोगों के, कहीं इसको सब्जी चाहिए तो सब्जी उगाएगा तो किसी किसान से मिलेगा, बीज भी लाएगा, पानी का प्रबंध करेगा, तो इसको कुछ लोगों के संपर्क में तो आना ही पड़ेगा। ज्यादा भीड़ के संपर्क में मान लो ना भी आए तो भी कुछ लोगों के संपर्क में तो आएगा, तो नितांत एकांत तो असंभव है, हो ही नहीं सकता है। आप कहेंगे ये तो गाय भी नहीं रखेगा, खेती भी नहीं करेगा, केवल भिक्षा का अन्न खाएगा, तो भी कोई तो लाके देगा ना भिक्षा का अन्न, या तो खुद मांगने जाएगा। तो यहाँ पर एकांत किसका है, मन का। व्यक्ति भीड़ में होते हुए भी अपने आप को अकेला कर सकता है, और अकेला रहते हुए भी वो भीड़ को अपने दिमाग में भर सकता है, दोनों स्वतंत्रता है उसके पास। तो जिसको अपने आप को ईश्वर से युक्त करना है, वो भले ही समूह में रहे, भले ही भीड़ में रहे, कितने बड़े संस्थान में रहे, कितने बड़ी संस्था में रहे, संगठन में रहे, कैसे भी रहे, तो भी वो अपने आप को अकेला कर ही लेता है। और इस प्रकार से अपने आप को एकांत में स्थित करके ये योगी सततम आत्मानं युञ्जीत, सतत अपने आप को भगवत शरणागति से जोड़ता रहता है। एक अपने स्वामी जी थे, स्वामी रामसुखदास जी, इधर ऋषिकेश में रहते थे, तो उनका ये एक उनका मंत्र यही था, थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये ऐसे बोलते थे, हे भगवान ऐसी कृपा करो मैं आपको कभी भूलूं नहीं, आपको ना भूलूं कभी भी, बाकी जो भी करूं मैं, पर आपकी स्मृति सदा बनी रहे मेरे चित्त में। तो ये इसका लक्षण बता रहे हैं, योगी कैसे होता है, तो अपने आप को एकांत में स्थित करके सतत अपने मन को युञ्जीत जोड़ता है। एकाकी यत चित्तात्मा, अकेला, और यत चित्तात्मा, चित्त और आत्मा को जिसने वश में कर लिया है उसको कहेंगे यत चित्तात्मा। इस प्रकार से वो अपने आप को एकांत में करता हुआ, अकेला रखता हुआ, अपने चित्त और आत्मा को वश में करके निराशी अपरिग्रह, निराशी मतलब आशा से रहित, आशा से रहित माने वासनाओं से रहित, अपने आप को वासना से रहित करके, अपने आप को आसक्ति से रहित करके, अपरिग्रह संचय की भावना से रहित हो जाता है। अपरिग्रह माने अपने पास कुछ नहीं रखता है, अपने पास कुछ नहीं रखता है मतलब उसके पास और चीजों को तो छोड़ सकता है, शरीर को तो नहीं छोड़ सकता है, शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, ये तो साथ रहते ही है ना, लेकिन जिसको योगी बनना है वो इनसे भी दूर रहता है, शरीर से भी दूर रहता है, मन बुद्धि आदि जो इंद्रियां हैं, 11 इंद्रियां हैं, इनसे भी अपने आप को दूर रखता है, ऐसा अभ्यास करता है वो। और इसके लिए फिर थोड़ा टाइम उपासना आदि के लिए भी निकालता है, सुबह शाम या त्रिकाल जितना संभव हो, तो वो भी जरूरी है, माने कार्यों में सावधान और भगवत भाव में वही साधक रह पाएगा जो कम से कम सुबह शाम 2 घंटे
एकांत में भी अपने आप को ईश्वर के साथ युंजीत जोड़ेगा। क्योंकि जब तक आप मोबाइल को चार्ज नहीं करेंगे, कम से कम सुबह शाम चार्ज तो करना ही होता है, तो दिन में यूज कैसे करेंगे, फिर तो कर ही नहीं सकते। तो दो बार तो कम से कम उसको चार्ज करना जरूरी है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि आजकल जैसे जहां भी जाएंगे, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, तो वो लगे होते हैं, प्लग लगे होते हैं। तो उसका जैसे मोबाइल 40-50-60% भी अभी चार्ज है तो भी दोबारा लगा देता है। क्यों लगाता है कि पता नहीं सफर में जा रहे हैं तो पता नहीं कहाँ चांस मिले ना मिले, और ऐसा ना हो कि जब मेरे को जरूर इसको प्रयोग करने का अवसर हो उसी समय ये डिस्चार्ज हो जाए। तो क्या करते हैं, दूसरा कोई पूछे कि अभी तो 60% है तो ये तो चल जाएगा, बोले नहीं यहाँ बैठे ही है ना, अभी तो फ्लाइट आई नहीं है, अभी तो ट्रेन आई नहीं, तो बैठे ही है तो थोड़ा सा चार्ज कर लेते हैं, इसमें नुकसान क्या है, अच्छा है ये 100% ही रहे हमेशा, थोड़ा सा कम होते ही फिर कहीं भी लगा देते हैं। या तो फिर आजकल वो लेके चलते हैं पावर बैंक, तो थोड़ा भी डाउन हुआ तो फिर लगा दिया, ऐसा एक वो है जिनको ज्यादा काम करना है मोबाइल से, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि ये डिस्चार्ज ना हो। तो ऐसे इस साधक को, अब जो सामान्य संसारी है उसको तो ज्यादा आवश्यकता नहीं है, डिस्चार्ज भी हो जाए तो पड़ा रहेगा, उसको ज्यादा भगवान से लेना देना भी नहीं है। लेकिन इस साधक को, इसको पता है कि मेरा लक्ष्य वो है, तो फिर मुझे कैसे रखना है अपने चित्त को, अपने चित्त को चार्ज करके ही रखना है। तो सुबह शाम तो ये चार्ज करता ही करता है अपनी आत्मा को, लेकिन दिन में भी जब भी इसको याद आ जाए, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद, और फिर अभ्यास होने के बाद, तो प्रतिपल फिर वो हमेशा चार्ज ही रहता है, कभी डाउन होता ही नहीं है। लेकिन एटलीस्ट 2 टाइम तो उसको चार्ज करना ही पड़ेगा ना अपनी आत्मा को। अगर इतना भी चार्ज नहीं किया तो फिर दिन में कैसे प्रयोग करेगा वो, दिन में वो कैसे भगवान का सतत स्मरण करने की स्थिति में रह ही नहीं सकता है फिर। तो वो तो बहुत जरूरी है, 2 बार तो करना अपने आप को। और जो 2 बार कर लेगा तो वो दिन भर भी कर पाएगा, जो दिन भर करेगा वो 2 बार भी बहुत अच्छा कर पाएगा। तो अन्योन्य आश्रित है ये, जो सुबह शाम अच्छे से संध्या उपासना करेगा वो दिन में भी ठीक ठीक व्यवहार करेगा, जो दिन में ठीक ठीक व्यवहार करेगा वो दोनों समय संध्या उपासना भी अच्छे से कर पाएगा, जो दिन में लड़ाई झगड़ा क्लेश गुस्सा घृणा इस तरह के विचार उठा रहा है तो वो उपासना के लिए बैठेगा तब भी कौन से विचार आएंगे, वो ही आएंगे। और जिसने उपासना के समय ईश्वर से कनेक्शन जोड़ लिया, अपने आप को भर लिया, तो वो दिन भर भी किसी से ये लड़ाई झगड़ा बखेड़ा करेगा ही नहीं, क्योंकि वो उसी से पॉजिटिव चेतना से युक्त है, वो भागवत चेतना से युक्त है, तो काम भी वैसे ही वैसे करेगा। तो ये दोनों अन्योन्य आश्रित हैं। तो उसको कैसे करें, कौन सी ऐसी विधि है जिससे कि हम चार्ज हो जाएं, तो उसके कुछ तो स्थूल उसकी विधि बता रहे हैं कैसे बैठें, फिर उसकी सूक्ष्म बताएंगे कि मन को कैसे सेट करें। शरीर को तो सेट कर लिया, ठीक है, फिर अब अगला काम क्या है, मन को सेट करना। तो उसमें लगाते हैं तो वो सावधानियां होती है ना प्लग की, अगर वो टूटा हुआ है उखड़ा हुआ है तो पहले उसको ठीक करना है प्लग को, तभी तो वो ठीक से चार्जर लग पाएगा, नहीं तो वो चार्जर लगाने के बाद भी कनेक्शन लूज है तो लगाया तो भी मोबाइल चार्ज हुआ ही नहीं 2 घंटे के बाद भी। तो यदि हमारा ठीक से संपर्क नहीं हुआ, यदि हमारे शरीर की स्थिति ठीक नहीं है, मन की स्थिति ठीक नहीं है, तो हम आंख बंद करके बैठे जरूर लेकिन हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ पाया, हम चार्ज नहीं हो पाए। तो उसकी विधि बता रहे हैं कि कैसे करना है। तो अगले श्लोक में बता रहे हैं, शुचौ देशे प्रतिस्थाप्य, शुद्ध प्रदेश में बैठे। अब किसी को रेल की पटरी पे बिठा दें जहां गंदगी पड़ी है, और थोड़ी थोड़ी देर में मालगाड़ी आ रही है, कोई दूसरी गाड़ी आ रही है, बोले अभी ध्यान करो, ध्यान होगा उसका, नहीं होगा। तो इसलिए दक्षिण में तो ऐसी प्रथा है, घरों में भी एक देवस्थान होता है, एक मंदिर जैसा बनाते हैं, उत्तर भारत में नहीं बनाते हैं। मकान कितना भी बड़ा हो उसमें 10-15 कमरे होंगे लेकिन भगवान के लिए कोई जगह नहीं है, नो एंट्री,
भगवान जाओ मंदिर में, हमारे घर में कोई उसके लिए जगह नहीं है, उधर बनाते हैं। तो कम से कम एक कमरा, कोई एक यज्ञशाला, कोई ध्यान कक्ष जरूर घर में बना के रखना चाहिए जिनके पास सामर्थ्य है। और जिनके पास घर छोटा है, बच्चे भी बहुत हैं, सामर्थ्य नहीं है, तो वो कम से कम अपने घर में एक कोना उसके लिए जरूर रखें, भगवान के ध्यान के लिए, भजन के लिए। उसके अलग वाइब्रेशंस होते हैं। और जिसके पास एक कोना भी नहीं है, तो वो कम से कम एक छोटा सा कोई, उसको वो बोलते हैं कोई जंगला, कोई आला, कोई अलमारी, कम से कम उसको रखे कि जब उसको थोड़ी देर वहां जाए तो उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिले, वहां थोड़ी देर के लिए वो बैठ जाए। कोई तो स्थान रखना चाहिए। तो कम से कम भारत में इतना सा तो सबके यहाँ मिल जाएगा, जहाँ एक दीपक रखने की जगह है उतना तो मिल ही जाता है। तो ये कह रहे हैं कि जिसको योगी बनना है, सामान्य बात नहीं कर रहे हैं, जिसको अपने आप को जानना है या भगवान को जानना है, उसको क्या करना है, सुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, अपने आप को शुचि देश में प्रतिष्ठापित करके, पवित्र स्थान में अपने आप को बिठा करके, स्थापित करके। आप देखेंगे जैसे दिवाली आदि पे विशेष सफाई करते हैं तो उसमें मन को भी फिर प्रसन्नता मिलती है। और जब घर हमारा या कमरा हमारा ऐसा ही अस्त व्यस्त पड़ा है, पुस्तकें कहीं पड़ी हैं, या कहीं हमारा वो वस्त्र पड़े हैं, कहीं हमारा लोटा पड़ा है, कहीं हमारा दंड पड़ा है, कहीं जूते पड़े हैं, कहीं बाल पड़े हैं, और उस स्थान में यदि ये बैठेगा ध्यान के लिए, भगवान से समाधि लगाने के लिए, तो इन चीजों का वाइब्रेशन भी टच करता है, नहीं लगेगा ध्यान। इसलिए पहले सफाई की जाती है बाहर की। तो यम नियमों में पहला नियम शौच, बाहर की भी सफाई फिर अंदर की करनी होती है। तो पहले तो बाहर वाले का ही कह रहे हैं अभी, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः, और फिर आसन को स्थिर करना होता है। एक बार देख लो कि शरीर की किस पोजीशन में बैठ करके आपको कष्ट नहीं होगा, उसी पोजीशन में बैठ जाओ। वो सुख आसन हो सकता है, स्वस्तिक आसन हो सकता है, कोई भी आसन हो सकता है, पद्मासन हो सकता है। तो किसी भी एक स्थिति में अपने आप को स्थापित करके, स्थिरम आसनम आत्मनः, ना अति उच्छितम, वो ना, वो ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए वो स्थान, ना अति नीचम, ना बहुत नीचा होना चाहिए और ना ही ऊबड़ खाबड़ होना चाहिए, सम होना चाहिए, समतल होना चाहिए। चैला जी ने कुशोत्तरम, और उसके ऊपर कुछ उत्तम प्रकार का कुशन आदि बिछा करके, और यदि मिल जाए तो चैला जी ने माने मृग का वो चर्म स्किन, और वो जब मृग मर गया तो ऐसे लगता है कि उस समय में बहुत सारे मृग होते होंगे। अभी भी कुछ कुछ ऐसे जंगल बचे हैं तो जिनमें बहुत सारे मृग हैं। जैसे हम एक स्थान है बीआर हिल्स, जहाँ अपना ही एक छोटा सा स्थान ले रखा है, तो वहां जब मैं जाती हूँ तो मैं देखती हूँ हमारे उसके घर के सामने तो 30-40 वो आते हैं हिरण, ऐसे बिल्कुल पास में दरवाजा खोलते ही। वो रोज आके उधर घास खा के जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे उसमें हिरण हैं, कम से कम कई हजार हिरण होंगे उस जंगल में। तो ये जो ऐसा वर्णन है, ऐसे लगता है कि उस समय बहुत सारे हिरण की मात्रा बहुत होगी देश में, तो फिर उनमें से कुछ मरते भी होंगे। तो मर जाने के बाद फिर उसका चमड़ा उतारते थे, वो एक विशेष जाति होती है जो चर्म का काम करते थे। तो मर गए तो उस चर्म से फिर वो कुछ जूते बनाना, कपड़े बनाना, इस तरह का कार्य करते थे। तो उसकी ना वो मुलायम होती है स्किन बहुत मृग की, तो उस पे बैठे तो सुख मिलता है शरीर को, मतलब जल्दी से पैर आदि नहीं दुखते हैं। तो आसन भी कैसा होना चाहिए, बहुत ऊंचा भी नहीं हो, बहुत नीचा भी ना हो, और उसमें मृग चर्म आदि या कहीं कहीं उसका भी, चीते आदि का भी वो बिछा के रखते हैं। तो ऐसा, या वो सब नहीं है तो कोई कपड़ा साफ सुथरा मुलायम सा बिछा के रखें, लेकिन वो सुखदाई हो।
जैसे आप अभी नीचे बैठे हैं तो ये सुखदाई नहीं है, ये जो मैट है ना। तो मैंने तो बताया था स्वामी जी को कि स्वामी जी आसन और लगवा दो, विद्यार्थी आराम से उस पर बैठ के ना सुखपूर्वक पढ़ेंगे। तो आप भी बता देना स्वामी जी को, तो आप भी बताओगे तो बन जाएंगे आसन आपके, तो उसमें अच्छे आसन में बैठ के, क्योंकि विद्या पढ़ना भी तो एक ध्यान ही है ना। न अति उच्छितम न अति नीचम चैला जी ने कुशोत्तरम। तो कुशा या फिर घास आदि का बनाते थे, जंगल में रहते थे तो घास भी मुलायम होती है, विशेष प्रकार की कुशा। तो ऐसा आसन भी अच्छा होना चाहिए, कुल मिला के ये बात है। साफ सुथरी जगह हो, आसन भी सुखदायी हो, और उसमें अपने शरीर की स्थिति भी ऐसी कोई एक चयन कर लें जिसमें सुख मिलता है। तो वो कोई जरूरी नहीं है कि सबको एक ही पद्मासन में बैठना है कि बद्ध पद्मासन में बैठना है, जिसमें सुख मिले। स्थिर सुखम आसनम तत्र ऐकाग्रम मन। और अब मन की बात आई, चित्त को तो शरीर को तो स्थिर कर दिया, अब मन को भी तो स्थिर करना है, नहीं तो शरीर तो बेचारा बैठा रहेगा, मन इधर उधर जाएगा, तो थोड़ी देर में फिर शरीर भी उखड़ जाएगा। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, उस आसन पर बैठ करके मन को एकाग्र करके। मन को एकाग्र कैसे करें? मन को निर्देश देना होता है उस समय कि अब देखो 1 घंटा आपको शांत होके बैठना है, आपको जो भी बताना है, जो भी पूछना है मेरे से, 1 घंटे के बाद बात करना। जैसे आप किसी अपने साथी को बोल देते हैं ना कि भाई अब 1 घंटे के बाद आना मेरे कक्ष में, अभी मैं ध्यान कर रहा हूं, तो फिर वो 1 घंटे के बाद आता है, सुनता है वो। ऐसे जैसे दूसरे का मन हमारी बात सुनता है, ऐसे हमारा मन भी हमारी बात सुनता है। तो अपने मन को भी ऐसे ही बताना कि अभी आप 1 घंटे के लिए मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना। तो ऐसे उसको ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेंड हो जाता है। इसलिए कहा एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिय। और फिर क्या करना है, चित्त और इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं उनको वश में करके, यत वश में करके, यत चित्त इंद्रिय क्रिय, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करके। उपविश्य आसने, आसन पर बैठ करके, योगम युञ्ज्यात, फिर वो योग को जोड़े, फिर अपनी चेतना को परमात्मा के साथ जोड़े। किसके लिए? आत्मविशुद्धये, आत्मा की शुद्धि के लिए। आत्मा का मतलब है यहाँ पर मन, मन की शुद्धि के लिए, अपने मन को शुद्ध करने के लिए। क्योंकि आत्मा तो पहले ही शुद्ध है, बस मन के ये जो दोष हैं, तो ये यदि शुद्ध हो जाएं, ये यदि हट जाएं, तो फिर आत्मा तो पहले ही शुद्ध है। और कैसे बैठना है फिर उस आसन में, तो उसका भी बता रहे हैं। महर्षि दयानंद ने भी ऐसे ही बताया, सत्यार्थ प्रकाश में जो उपासना विधि है, समम काय शिरो ग्रीवम। शरीर, काय मतलब शरीर, काय शिरो और सिर को और गर्दन को, ये ऐसे सीधे होने चाहिए। पैर की स्थिति कैसे भी हो सकती है, आप कुर्सी पे बैठे तो पैर नीचे लटका के भी बैठ सकते हैं, या पैर में दर्द है तो पैर को सीधा फैला के भी बैठ सकते हैं, या किसी को पैर को वज्रासन में बैठने से सुख मिलता है तो पैर को मोड़ के भी बैठ सकते हैं, या सुखासन पद्मासन, किसी भी पैरों की स्थिति कोई भी हो सकती है। लेकिन पैर के ऊपर जो रीढ़ की हड्डी है और गर्दन है, ग्रीवा है, सिर है, ये एक ही सीधी रेखा में होने चाहिए, सम होने चाहिए ये। तो कभी बहुत ज्यादा अकड़ के बैठते हैं तो भी फिर कमर अंदर से थोड़ा वो हो गई ना बेंड, या फिर कभी ऐसे बैठते हैं तो फिर ये ऐसे बेंड हो गई, तो सीधी नहीं रही। तो क्योंकि जो हमारी 3 नाड़ियां हैं, एड़ा पिंगला सुषुम्ना, रीढ़ की हड्डी से ही जा रही है ना ऊपर, और उसके माध्यम से ही हम ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, तो उसमें कहीं भी जैसे कोई नल है और उसमें से शक्ति को क्रॉस करना है, भेजना है, लाइट को गुजारना है या पानी को गुजारना है, और वो कहीं बैंड है तो फिर बाधा आती है ना उसके प्रवाह में। तो ऐसे ही फिर इन नाड़ियों के माध्यम से जो शक्ति का उत्थान होना है, तो वो यदि सीधी नहीं है
और सीधी क्या थोड़ी सी भी इधर या इधर होती है ना, तो उसका भी अंतर पड़ता है। तो आप देखेंगे बिल्कुल जिस दिन बिल्कुल ऐसे सीधे रहते हैं ये और मन भी एकाग्र है तो फिर बहुत अच्छे से ध्यान लगता है। समम काय शिरो ग्रीवम, और वो चाहे आप थोड़ी ही देर के लिए करें, जरूरी नहीं है कि पहले ही दिन आप 1-2 घंटा बैठें। आसन की सिद्धि 3 घंटे में मानी जाती है, पर 3 घंटे का टाइम ही नहीं है किसी के पास, या 3 घंटे बैठने की सामर्थ्य ही नहीं है। बैठ सकते हैं कितना, 30 मिनट बैठ सकते हैं, या 15 मिनट बैठ सकते हैं, या 5 मिनट बैठ सकते हैं। 5 मिनट लेकिन कैसे बैठना है, उचित विधि से। उस 5 मिनट में कम से कम विधि का खंडन नहीं करना, और वो विधि है समम काय शिरो ग्रीवम धारयन अचलन स्थिरः। अपने शरीर को, ग्रीवा को, सिर को, इनको धारयन स्थिर रखता हुआ, एक समम धारयन इनको स्थिर रखता हुआ, अचलम स्थिर, अचल बिना हिले डुले, स्थिर स्थिर, फिर इसको स्थिर हो जाना चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए फिर इतनी देर के लिए, उसका अभ्यास करना चाहिए कुछ दिन। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम, और जब सारा शरीर स्थिर हो गया तो फिर अब अपनी चेतना को नासिका के अग्र भाग पर स्थिर कर दे। तो ये एक बताया इन्होंने, आप किसी भी भाग पे एकाग्र कर सकते हैं, हृदय में एकाग्र कर सकते हैं, भ्रूमध्य में कर सकते हैं, नासिका के अग्र भाग पे कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, अपने शरीर में नाभि पे कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि उसके बाद धारणा की स्थिति है, ये योग दर्शन की भाषा में कहें तो अपनी सारी चेतना को कहीं एक जगह फोकस करना, ये धारणा है। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम, स्वम माने अपने आप को, अर्थात अपनी चेतना को, अपनी चेतना को नासिका के अग्र भाग पर टिका करके दिशश्च अनवलोकयन, और दिशाओं में अनवलोकयन न देखता हुआ, इधर उधर न देखता हुआ, इस दिशा में उस दिशा में ना देखता हुआ, केवल कहाँ देखे, नासिका के अग्र भाग को ही देखे, या भ्रूमध्य को ही देखे, या हृदय को ही देखे, जहां चेतना को लगाया है उसी को देखता चला जाए बस, उतनी देर के लिए। तो ये विधि है ध्यान करने की। प्रशांतात्मा विगत भी ही, और ऐसा करने से ये कैसा हो जाता है, शरीर शांत है, इंद्रियां शांत हैं, मन शांत है, तो फिर आत्मा भी कैसा हो जाता है, शांति हो जाता है, आत्मा पहले ही शांत है। तो इसलिए कहा प्रशांत आत्मा, शांत मन वाला, विगत भी ही। और ये नियम है कि जब ऐसे वो ईश्वर की शरण में बैठता है तो वो, उसको कोई भय नहीं होता है, या भय नहीं होना चाहिए। विगत भी ही भय रहित होकर के ब्रह्मचर्य व्रते स्थित, और ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित के दो अभिप्राय हैं, एक तो ब्रह्म में ही उसका चित्त एकाग्र हो जाए, तो ये हो गया ब्रह्मचर्य व्रते स्थित, और दूसरा दूसरा है इंद्रियों की, किसी भी इंद्रिय की चंचलता ना हो। तो मन शांत है, इंद्रियां भी शांत हैं, शरीर भी शांत है। ब्रह्मचर्य व्रते स्थित संयम्य मत चित्त, और कह रहे हैं मुझ में अपना चित्त डाल करके, मत चित्त, मत मेरे परायण चित्त वाला हो करके, जिसका चित्त ईश्वर परायण हो गया है, मुझ परायण हो गया है। मत चित्त युक्त आसीत मत पर, तो फिर ये मत चित्त मुझ में अपने चित्त को लगा करके, मत परायण हो करके, ईश्वर परायण हो करके, संयम्य वश में करके, युक्त आसीत युक्त हुआ, आसीत बैठे, मुझ परायण हो करके बैठे फिर उस आसन में, क्योंकि सब तरफ से तो मन को हटा लिया, पहले प्रत्याहार कर लिया, फिर धारणा की, तो ये स्थिति कौन सी है, ये ध्यान की स्थिति है योग दर्शन की भाषा में, ईश्वर परायण होकर के बैठे।
युक्त आसीत मत पर, मुझ परायण होकर के, अर्थात ईश्वर परायण होकर के, फिर कुछ प्राप्त करना है इस तरह की भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। उस समय सब बंद बिल्कुल। अब इतनी देर में मैं कौन से मल को हटा दूं, कौन सी उपलब्धि कर लूं, कौन से प्रकाश को देख लूं, कौन से आकार को देख लूं, ये विचार भी नहीं होना चाहिए। कोई विचार नहीं, स्थिर मन भी, स्थिर शरीर भी, स्थिर, और किसी एक स्थान के ऊपर चेतना को एकाग्र करके प्रशांत होकर के बैठे। तो ये उसका उपाय बता रहे हैं, ये आगे भी चलेगा। अभी ये प्रसंग तो इसको कल और आगे बढ़ाएंगे, अभी यही पाठ को विराम देते हैं। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः।